बीपीएससी के द्वारा इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल पूछे जाने पर बीजेपी का ये कहना है कि इंडिया गठबंधन का सवाल क्यों पूछा गया और बीजेपी इसकी विरोध करती नजर आई है। तो वही जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का ये कहना है कि सवाल तो कुछ भी पूछे जा सकते हैं, अगर इंडिया गठबंधन पर सवाल पूछा गया तो कहाँ गलत किया गया है। हमारे रैली पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, हमारी रैली को रद्द करवाई गई, लेकिन काशी में हमारी रैली तो होगी, देवों के देव महादेव की जगह पर हम जाएंगे और ये दिखाएंगे कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। क्योंकि अगर जेडीयू रैली करती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे पोल खुल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो काशी कॉरिडोर बनवाया ही, लेकिन भारत माता के मंदिर को भी तोड़ा गया है। हम ये तमाम सच्चाई दिखाएंगे जब हमारी रैली बनारस में होगी, जब हम उत्तर प्रदेश की जनसभा को संबोधित करेंगे, तो ये तमाम बातें हम करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोलेंगे। ये तमाम बातें नीरज कुमार कहते नजर आए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है आप? 56 इंच का सीना की राजनीतिक फौज राजनीति में गीदड़ हो गया, डर गए। वाराणसी में महाविद्यालय प्रबंधन पर दबाव बना दिया, लेकिन कब तक रोकोगे? रैली तो करेंगे, रैली का स्वरूप क्या होगा यह तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि जेडीयू की रैली होगी कि इंडिया अलायंस की रैली होगी, लेकिन रैली होगी। ऐसा नहीं कि आपने एक जगह तो अपने दिमागी फितूर से हमारी रैली स्थगित करवा दी, लेकिन दुनिया में कोई माइकालाल पैरा नहीं लिया है जो महादेव के देव महादेव के इलाके में जाकर के जरूर हम यह बताएंगे कि वाराणसी में काशी कॉरिडोर तो बनाया, लेकिन भारत माता का मंदिर भी तोड़ दिया। 150 शिवलिंग आज भी लंका थाना के कैद खाने में कैद है, फर्जी हिंदुत्व का तो खुलासा करेंगे। अद्भुत ज्ञान है, भाजपा इंडिया अलायंस सवाल पूछे जाने पर भी आपत्ति कर रही है। क्या यह पूछने का अधिकार नहीं है कि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी दुनिया के किस कोने में है? यह भी पूछा जा सकता है। बीफ का निर्यात 1453,000 मैट्रिक टन आदरणीय नरेंद्र मोदी तथा कथित हिंदू के शासन काल में हो गया, यह सवाल भी पूछने योग्य है। सवाल तो पूछे जाएंगे, बेचैनी जितनी रहे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।